लिए बीजेपी ने कमर कस ली है, जिसकी एक बानगी यूपी की राजधानी लखनऊ में दिखाई दी। यूपी बीजेपी के लोकसभा प्रभारी जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और 2019 में यूपी फतेह का मंत्र दिया। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दोस्ती के चैलेंज पर बीजेपी चौकन्नी, बीजेपी में चुनाव को लेकर मंथन, नड्डा ने तय की रणनीति, जंग में जीत के लिए जनता से बढ़ाएंगे करीबी। उत्तर प्रदेश में चुनावी तैयारियों को धार देने के लिए लखनऊ पहुंचे उत्तर प्रदेश बीजेपी के लोकसभा प्रभारी जेपी नड्डा ने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ प्रदेश कार्यालय पर बैठक की। बैठक में मिशन 2019 की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में महेंद्रनाथ पांडे और बीजेपी के सह प्रभारी नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कहा कि हम सब मिलकर काम करेंगे। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विकास पर और देश को प्रगति की ओर ले जाने पर, और हम सभी बातों को आंकड़ों समेत आगे बढ़ाते हैं और जो हमने काम किया है उसको हम रखते हैं। हम उसके साथ साथ ये भी कहते हैं कि वी रिप्रेजेंट ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, ऑल सेक्शंस हैव टू बी एड्रेस्ड एंड ऑल सेक्शंस तक पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। नड्डा ने कहा कि बीजेपी को देश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। हम उत्तर प्रदेश में कम नहीं होंगे, कार्यों के बदौलत ही फिर से रिकॉर्ड समर्थन मिलेगा। मैं आपके सामने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता भरपूर आशीर्वाद देगी। ऑल टाइम रिकॉर्ड विक्ट्री होगी और हम 73 नहीं, हम 74 होंगे, बढ़ेंगे। सपा बसपा की दोस्ती पर भी नड्डा ने अपनी नजरें बनाई हुई हैं और यूपी में उनकी सियासी शक्तियों को भी बखूबी समझते हैं। इसीलिए पार्टी को इस चुनौती को लेकर सुझाव दिए और हमला भी किया। जहां तक आपने मायावती जी की बात की और आपने अखिलेश जी की बात की, ये अपना रिकॉर्ड बता रहे हैं, दे आर टेलिंग देयर रिकॉर्ड। आंकड़े स्पष्ट हैं और हम किसी भी मंच पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं आंकड़ों के साथ। उनका जीवन और उनका राजनीतिक संस्कृति, जिस संस्कृति को वो लेकर के आगे चले हैं, वो कमीशन करप्शन, लॉलेसनेस, डिविजन, इस पर आधारित है, तो वो अपना रिपोर्ट कार्ड है। पदाधिकारियों के साथ बैठक में जहां आगे की रणनीति तय हुई, तो वहीं आज शाम सीएम आवास पर फिर बैठकों का दौर चलेगा। कोर टीम के साथ सीएम आवास पर बैठक होगी और अब बदले समीकरण में किस तरह से आगे तैयारी करनी है, इसको लेकर भी मास्टर प्लान बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।